व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइज, हमारा आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो हम करने वाले हैं साइंस बेस्ड लेग वर्कआउट होने वाला है। हमारा जो साइंस बेस्ड वर्कआउट होने वाला है, इसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइज जो हम लेग्स वाला वर्कआउट में करते हैं, जैसे कि लंजेस हो गया, लेग प्रेस हो गया, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम स्क्वाट के भी वेरिएशन करते हैं, इन सारे ही वेरिएशन को हटा के जो साइंस बोलता है, जो साइंस की थ्योरी बोलती है, जो ओल्ड स्कूल बोलता है, उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करने वाले हैं। और कुछ मिनिमम एक्सरसाइज के थ्रू ही हम हमारे ओवरऑल लेग को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा शेप और साइज दे सकते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली और जो मेन एक्सरसाइज है वो आपके लिए होने वाली है, वो है स्क्वाट। अब स्क्वाट को किस तरह से करना है वो बता देता हूँ, उससे पहले आपको करना किस तरह से वो समझा देता हूँ। तो जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ स्क्वाट के, आपको करने हैं पाँच सेट आप लगाओगे, आपके रेप रेंज में ही होने चाहिए 10 to 15, आपका मसल फेल्यूर 10 टू 15 के बीच में आना चाहिए। आपको इस अकॉर्डिंग वेट लेना है कि आपका मसल फटीग है वो 10 टू 15 रिपीटेशन के बीच में आ जाए। आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप वेट लोगे। पहले जो आप दो सेट लगाओगे वो आपको एज अ वार्म अप सेट लेने हैं, और दो सेट आपके वार्म अप के हो जाएंगे, उसके बाद में जो तीन सेट आपके बचेंगे वो आपके मेन सेट रहेंगे। तो इसको लगाना कैसे है वो समझा देता हूँ। इस तरह से आपको बारबेल को लेके आना है, इस तरह से आपको बारबेल को रैक से निकालना है। अब पैरों के बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे वाइडर देन शोल्डर, जितनी चौड़ाई आपके शोल्डर में होती है उससे हल्का सा चौड़ा आपको पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है। टोज आपके सीधे नहीं रहेंगे, टोज आपके हल्के से आउटसाइड रहेंगे। अब यहाँ से आपको हाफ रेंज से थोड़ा सा नीचे जाना है और बैक को बिल्कुल आर्च मेंटेन करना है। नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे, ऐसे ही ब्रीद आउट करेंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से आपको स्क्वाट को परफॉर्म करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको लगा के बताया सेम उसी तरह से करना है। स्टार्टिंग के जो दो सेट है वो आपके एज ए वार्म अप सेट रहेंगे, धीरे धीरे करके हमको वेट को इंक्रीज करना है। तो दो आप वार्म अप सेट करोगे, तीन आपके मेन सेट रहेंगे, इस तरह से आपको पांच स्क्वाट के सेट करने हैं। तो स्क्वाट क्या करता है, स्क्वाट जब हम करते हैं तो आपका क्वाड्रिसेप मसल इन्वॉल्व रहेगा, आपका हैमस्ट्रिंग मसल इन्वॉल्व रहेगा, आपके ग्लूट्स इन्वॉल्व रहेंगे, और आप कहीं ना कहीं आपका जो काफ मसल होता है ये भी इन्वॉल्व रहता है। तो ओवरऑल जब हम लेग्स की बात करते हैं तो ओवरऑल लेग्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे जो अच्छी और जो मेन एक्सरसाइज है वो आपकी स्क्वाट है। तो स्क्वाट को आपको किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करना है आपके शेड्यूल से। तो स्क्वाट हमने लगा लिया, अब इसके बाद में हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए हम जो मेन एक्सरसाइज करने वाले हैं कि केवल हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल पे ही लोड जाए, तो उसके लिए हम करेंगे लेग एक्सटेंशन। इसके आपको चार सेट लगाने हैं, लगा के बता देता हूँ। ये आपकी पोजीशन रहेगी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट ले लेना है। अब यहाँ से आपको ग्रिप करना है बैक आर से, अब यहाँ से सीधा ऊपर लेके आएंगे, हल्का सा होल्ड, स्लो रिटर्न, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से आपको लेग एक्सटेंशन को करना है, जो कि आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करके देगा। और ये हम सिंगल एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी एक मेन मसल होता है आपके लेग्स में। तो हमने जहाँ स्क्वाट किया था वहाँ पे हमारे सारे मसल इन्वॉल्व थे। अब जो हमारे जो मेन मसल है, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, काफ हो गया, उनके लिए एक सिंगल एक्सरसाइज करेंगे। तो लेग एक्सटेंशन मैंने आपको क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए लगा के बता दिए। अब इसके बाद में हमारा बैक साइड जो थाई में मसल होता है वो होता है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल, तो इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी हमने क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए लेग एक्सटेंशन किए, अब हमारे थाई में जो बैक साइड जो मसल होता है वो होता है हैमस्ट्रिंग मसल। तो पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग मसल को टारगेट करने के लिए हम प्रोन लेग कर्ल करने वाले हैं, ये सीटेड वाला नहीं है, इसको लेट के लगाना होता है। तो ये हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को अच्छे से डेवलप करके देगा। और इसके भी हम चार सेट करेंगे, रेप रेंज आपके वही रहेंगे 10 to 15, वन नीचे स्लो लेके जाएंगे, टू ऊपर लाएंगे हल्का सा होल्ड स्लो डाउन, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन।
इस तरह से आपको लेग कर्ल जो एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे तीन एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो गए। स्क्वाट लगा लिया हमने, हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए लेग एक्सटेंशन कर ली, और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल के लिए हमने लेग कर्ल एक्सरसाइज को अभी परफॉर्म किया है जस्ट। अब इसके बाद में बचा हुआ है हमारा काफ मसल, तो पर्टिकुलरली हमारे काफ मसल को भी ट्रेन करने के लिए हम उसके लिए भी एक मेन एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम करेंगे स्टैंडिंग काफ रेजेस। पैरों के बीच का डिस्टेंस आपको वही रखना है शोल्डर जितना। अब यहाँ से टोस से बॉडी को प्रेस करेंगे, ऊपर लेके आएंगे हल्का सा होल्ड और स्लो डाउन उसी पोजीशन में। और इसमें आपको नी को स्ट्रेट रखना है, आपका जो घुटना होता है उसको मोड़ के नहीं रखना, आपको बिल्कुल भी बेंट नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। टोस के टोस से हम बॉडी को ऊपर की साइड प्रेस करेंगे और स्लो डाउन उसी पोजिशन में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपको 10-15 रिपीटेशन इसके लगाने हैं। इसके भी चार सेट लगाना है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्क्वाट के आपको 5 सेट लगाने हैं, बाकी जो मैंने आपको तीन एक्सरसाइज बताई है इन तीनों के ही आपको चार चार सेट लगाने हैं। रेफरेंस हमारे वही रहेंगे 10-15। तो ये बस चार एक्सरसाइज है जिनको आप करके आपके लेग्स को एक अच्छा शेप और साइज दे सकते हो। आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं है कि आप घंटों जिम में पसीना बहा रहे हो, 2-2 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, 3-3 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, लेग्स की बहुत सारे वेरिएशन लगा रहे हो। जैसे कि हमारा लंजेस हो जाता है, स्क्वाट के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, लेग प्रेस हो जाती है, वैसे ही बहुत सारे वेरिएशन होते हैं लोअर बॉडी के लिए। तो आपको केवल अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, अच्छे से 45 मिनट्स टू 1 आवर का वर्कआउट करते हो, तो ये चार एक्सरसाइज आपके लिए सफिशियंट है। इससे ही आपके लेग्स की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये था हमारा साइंस बेस्ड लेग वर्कआउट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नए हो तो रेड कलर का बटन होगा उसको जाके प्रेस कर लेना, जिससे पहला सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके पास में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी जाके ऑन कर लेना, जिससे इस तरह के जब भी मैं हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सो गाइस यहां पे करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।